दांत खाज खुजली बीमारी को जड़ से ख़त्म करें लुलिफोर्ट क्रीम लगाकर। लुलिफोर्ट क्रीम दांत खाज खुजली में लगाने के बाद बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने को मिलता है। जो दांत होता है, खाज होता है, खुजली होता है, वो दोस्तों जड़ से ख़त्म करता है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको दोस्तों दांत हो गया, खाज हो गया, फंगल बीमारी हो गया, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल फंगल बीमारी हो गया, तो भी दोस्तों आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों लुलिफोर्ट क्रीम के बारे में, लुलिफोर्ट क्रीम का बेनिफिट के बारे में बताएंगे, इसका प्राइस के बारे में बताएंगे, इसका साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहला बार देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो देने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लुलिफोर्ट क्रीम किन किन कंडीशन में इस क्रीम को यूज़ किया जाता है? दांत खाज खुजली स्किन इन्फेक्शन में, दांत हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, डर्माटाइटिस बीमारी हो गया, एक्जिमा बीमारी हो गया, इस तरह की कंडीशन में इस क्रीम को यूज़ किया जाता है। अगर आपको दोस्तों दांत हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, तो भी दोस्तों आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी में हो गया तो भी आप क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर फेसियो में होता है तो दोस्तों आप डॉक्टर की परामर्श लेकर यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी में है तो भी आप क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेस्ट बेनिफिट देने को मिलता है दोस्तों लुलिफोर्ट क्रीम यूज़ करने के बाद। जो दाद होता है, खाज होता है, खुजली होता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल फंगल बीमारी होता है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आपको ये क्रीम मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में। ये दोस्तों 10 ग्राम का भी आता है, 20 ग्राम का भी आता है। आइए जानते हैं लुलिफोर्ट क्रीम सही तरीके से कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों जिस जगह के एरिया में फंगल है, दाद है, खाज है, खुजली है, उस जगह के एरिया में दोस्तों अप्लाई करना है। थोड़ी सी हाथ में लेना है, लेने के बाद उस जगह के एरिया में दोस्तों अप्लाई करना है। आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रातों में भी यूज़ कर सकते हैं इस क्रीम को। अगर आपका फेसियो में होता है तो आप डॉक्टर की परामर्श लेकर इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, अगर डॉक्टर देता है तो। अगर बॉडी में होता है तो दोस्तों आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों लुलिफोर्ट क्रीम का साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट इतना साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप सही तरीके से डॉक्टर की परामर्श या निर्देशानुसार या सलाह लेके इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। लुलिफोर्ट क्रीम की अगर कंपोजिशन कंटेंट की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कंपोजिशन कंटेंट सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई और बहनों प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो दोस्तों आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।